ऑलरेडी गाइज हम पहुंच गए हैं सदे महर गांव। आपने देखा होगा शालदे एरिया से एक दूर पहाड़ी पर तीन पेड़ दिखाई देते हैं, तो आज मैं उसी जगह पर खड़ा हूं और यहां का गांव का नाम है सदे महर गांव। तो महर गांव है, पहाड़ पानी आगे है और ये रोड जाती है सीधा देघाट को, जैसे कि आप देख रहे हैं। और हम भाई भी पहुँच रोड इधर, ये हम इधर से आए तो कुछ रोड कच्ची थी, बाकी हमको पक्की रोड मिल चुकी है। तो आज हमारे साथ हमारे मेरी जी हमारे को ले जाए और अच्छा लगा। तो ये आप तो इधर आते रहते हो यहाँ पे? जी जी बिल्कुल। इस रोड को आए हुए कितने साल हो गए यहाँ पे? कौन सी वाली? इसमें हाँ ये वाली, हाँ इसको भी 2-3 साल हो गया ना ताऊ जी, इस वाली मेन रोड को कितने? 5 हो गए। अच्छा अच्छा, तो यही कि हमको निवासी मिल गए हैं अंकल जी। नमस्कार अंकल जी, आपका शुभ नाम क्या हुआ आपका? गोपाल सिंह जी। आपका घर ये सामने है? ये आपका घर है। तो अब पहले जैसे आपको यहाँ से पैदल जाना पड़ता था, तो अब क्या स्थिति बनी है आपकी? अब तो बढ़िया है, अब तो घर पर सब चीज मिल जा रहा है, सब कुछ मिल जा रहा है। यहाँ पर रोड आ रही है, अब ये सिलेंडर की गाड़ी यहाँ पर आ रही है और बहुत बढ़िया पानी यहीं पर है। पानी यहीं पर, तो सबसे बढ़िया सामान वन सुविधा का खरीदने की आपका जो स्टेशन है वो कौन सा है, देघाट है या सरायखेत है? नहीं, हमारा देघाटी है। आपका देघाटी है? बैंक का हमारा काम वही देघाटी पड़ता है। देघाटी पड़ता है, तो टोटल सब लोग इस इलाके की जो है देघाटी ज्यादा करते हैं। तो यहाँ से सरायखेत 20 किलोमीटर करीब होगा यहाँ? 20। हाँ तो सरायखेत जाते होंगे। अगर आपने दिल्ली जाना होगा तो आप किधर जाओगे? तब आप सरायखेत पड़ेंगे, वहाँ से अगर आएंगे बस से तो सरायखेत से होते हुए आएंगे। सिर्फ सामान के लिए आपने? सामान के लिए जाना, वहाँ से वहाँ जाना होगा बैंक के और। अच्छा अच्छा अच्छा, तो लोकल गाड़ियाँ आती रहती होंगी यहाँ पे? हाँ लोकल गाड़ियाँ आती है। बिहार से लेकर यहाँ पे किराया कितना है? किराया 100 रुपया, 80 रुपया एक। 80 रुपया, 80 रुपये एक आदमी का। चलो ठीक है, वो भी इतना रिस्क लेके आ रहे हैं यहाँ पे। कच्ची रोड भी है, थोड़ा 7-8 किलोमीटर कच्ची है, बाकी पक्की है। तो खुश हैं यहाँ के लोग? सब बढ़िया। हाँ भी खुश है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया अंकल जी आपका। तो ये था अंकल ने जो बताया यहाँ पे और अच्छा लगा और उन्होंने सही बातें हमको बता दी। तो मैं आपको यहाँ से ना थोड़ा साल देर दिखाता हूँ। और आगे कौन सा गांव है ऊपर को? ऊपर को हाँ, ऊपर तो कुपड़ा घनियाल है, ऊपर भुक्ति से चोपड़ा घनियाल, वहाँ रोड नहीं होगी अभी? वहाँ रोड चोपड़ा घनियाल भी गई है, कच्ची रोड है। अच्छा कच्ची रोड है, भले अभी तक जो है कच्ची रोड ही बनी है हर जगह, आने वाले टाइम पर वो बन जाएंगी, पर जो भी है कच्ची रोड ही पहुँच गई, चाहे कुछ भी हो रोड बन चुकी है, विकास हो चुका है, तो थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है। और गाड़ियाँ देखो मकान बन रहे हैं, गाड़ियाँ यहाँ पर कंक्रीट रेता वगैरह वगैरह लेके आ रहे हैं, लेकिन जो आने करके जो रास्ता मेन रास्ता जो है वो सरायखेत ही है। तो सरायखेत से यहाँ पे गाड़ियाँ आती हैं और एक पेड़ वो है, एक पेड़ और एक पेड़ यह दो एक नीचे तीन पेड़ ये मेन है जो शालदे क्षेत्र से हमारे को दिखाते हैं। और मात्र यहाँ से देखा जाए तो शालदे एरिया जो है ना वो दिखाई दे रहा है लास्ट में, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको वहाँ पर। अभी दोपहर के वजह से ना थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि धूप की वजह से, तो वो हमारा शालदे एरिया है आगे लास्ट। और इधर को जो रोड आ रही है ये पत्थरखोला बबलिया है, शायद ये पत्थरखोला बबलिया महरगांव ये इधर को पड़ता है। तो आपको मैंने ये आज ये एरिया दिखाया, बहुत बढ़िया अच्छा लगा, बहुत ही था। तो अभी हमने इधर को भी जाना है, थोड़ा सा पानी लेंगे और खाना बनाएंगे उसके बाद। और सामने जो आप पहाड़ पर रोड देख रहे हैं वो रोड कौन सी होगी यार, अगर पत्थरखोला ये है तो वो नई रोड बनी है कोई एक और, जो कल हमको वहाँ मिली थी जोराशी वाली पे, तो एक नई रोड और बन चुकी है जो तामाढ़ रोड पर यानी कि वोलावरा में मिलती है रोड। तो बहुत ही शानदार, मज़ा आ गया भाई साहब, देख रहे हैं आप, बहुत ही शानदार। तो आपको बताना चाहता हूँ सिलेंडर की गाड़ी आ गई है जो यहाँ पे इंडियन गैस सिलेंडर की जो सर्विस करती है यहाँ पे, वो भी यहाँ पे आ गई, तो कितनी अच्छी सुविधा होगी यार लोगों के लिए यहाँ पे, अब बहुत ही बढ़िया। और जैसे कि आप देख रहे हैं अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। तो ये था नज़ारे कुछ दिखने के यहाँ पे मुझे, और महरगांव यहाँ पे लिखा भी है, ये आपको दिखाई देता हूँ, यहाँ पे लिखा है महरगांव। तो ये अब ये गाड़ियाँ भी, आप दिघाट से आ रहे क्या? अच्छा तो यहाँ पर जो इतना भी इंडियन की सर्विस हो दिघाट ब्रांच दिघाट का ही हुआ? अच्छा अच्छा, तो यहाँ इंडियन का आप दिघाट से लेके आते हो? ये अपना मरौली, ये शालदे मरौली? अच्छा वहाँ से आ रहे हो अभी? तो ये गोलधार में वो उसका क्या हुआ? वो तो गवर्नमेंट वाला है, ये प्राइवेट। अच्छा ये आपका प्राइवेट है? अच्छा प्राइवेट ने कॉन्ट्रैक्ट लिया होगा तब वो यहाँ सप्लाई। तो एक सिलेंडर यहाँ तक पहुँचाने का कितने का बैटरी जैसे ले रहे? तो गुरु जी ये सिलेंडर कितने का बैटरी यहाँ तक पहुँचने पर? 840 रुपये का। 840 रुपये, कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं है, ठीक ही तो है, वही रेट है, वही रेट, वही रेट है, सरकारी रेट है, बहुत ही अच्छा है। तो इतनी सुविधाएं हुई और जो यार बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। मरौली से सिलेंडर यहाँ पर आ रहा है और अब ये गाड़ी शायद आगे जाएगी सरायखेत साइड को, वहाँ से फिर ये नीचे को मरौली को आएंगे। तो आप देख रहे हैं महरगांव में कितना अच्छा हो गया, पहले यहाँ पर एक शॉर्टकट रास्ता हुआ करता था, आज यहाँ पर गाड़ियाँ पहुँच रही हैं और ये रोड जा रही है सीधा देघाट को, और ये रोड जाती है सीधा
सरायखेत को, और ये रोड जहाँ से हम अभी आए ये जाते सीधा घुघती और कैलानी एंड देघाट को। तो इधर से ही भी हम आए थे, देघाट से लेकर घुघती तक रोड कच्ची है, और जैसे कि आपने देखा होगा ब्लॉग में 7 किलोमीटर कच्ची रोड है और उसके बाद फिर ये पक्की रोड है सारी, आप देख सकते हैं। तो बहुत ही शानदार, आगे से भी मुझे लग रहा है रोड और है जो बबलिया पत्थर खोला कर निकलती है। तो हर जगह को रोडों का जो है लिंक बन चुका है यहाँ पहाड़ों में। और ये जो 3 पेड़ मैंने आपको बताए थे अभी ये वाले, तो ये मैंने हम दूर से दिखाए थे, तो ये वही पेड़ है जो शालदे से आप नज़र मारते हैं ना दिखाड़ की तरफ पहाड़ी पे, तो वही पेड़ आपको ये दिखाई देते हैं। 3 पेड़ हैं। और इधर जाएंगे तो थोड़ा सा आपको कुछ दुकान है, इधर दुकान मार्केट है क्या आपकी? क्या कब दुकान थी? 5-7 दुकान थे। 5-7 दुकान है, तो इधर भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, आ जाओ। तो इधर भी 5-7 दुकानें हैं यहाँ पर, और गांव की लोकल मार्केट, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और कुछ तो यहाँ पे ये बंजर हो गया ये मकान ही, जैसे कि आप देख रहे हैं, और बाकी थोड़ा सा नीचे जाके मैं आपको दिखा देता हूँ ये। अब यहाँ अगर आते हो तो खाने पीने की रुकने की सुविधा ये तो मुझे मालूम नहीं अभी, इतना शायद यहाँ पर है नहीं अभी इतना, क्योंकि रोड को अभी आया यहाँ पर 4-5 साल ही हुए हैं, तो इसके वजह से। तो एक दुकान तो ये है यहाँ पर बंद है, और बाकी दुकानें सब पुरानी हैं सारी। तो अगर आप जब दिखाट को जाते हैं ना, ये यही रोड जाती है दिखाट को सीधा, लेकिन कच्ची है यार। लोग इस्तेमाल यहाँ के जो लोग हैं ना काफ़ी रिस्क लेते हैं, ऐसी बात तो नहीं है कि रिस्क लेते बहुत। और ये तो यहाँ पर पहले कभी चाय की दुकान हुआ करती थी लोकल, हुआ करती थी, होगी क्योंकि पहले दुकान पुरानी वाली। और यहाँ पर ये एरिया, तो ये है पूरा एरिया हद तक, 5-7 दुकान है यहाँ पर, दुकानें हैं राशन की, और बहुत ही बढ़िया शानदार। तो ये और हमारा जो सालदी एरिया है ना वो ये है। तो नीचे क्या दिखा, नीचे मैंने आपको दिखा दिया सारा, और यही रोड जाती है विशेष दिखाटे रोड ये जाने अच्छा 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 तो यही रोड जाती दिखाट को। और तो आजकल वैसे ये खराब हो गई है। अच्छा ये वाली था जाती है। तो आप भर लागम से रोड आ गई थे, आप भर लागम क्या वो गड्ढा वगैरह बनाई नहीं रहे ना, वो जीसीबी वाले आते ना। हाँ नहीं चलो ये तो नहीं, ये तो नहीं बन रहा है वो जो वहाँ वहाँ तक रोड आ गई, गैस सिलेंडर पहुँच रहा है यहाँ, अब सुविधा हो गई ना पहले से। अब सुविधा तो हो गई, पर ये सुविधा तो सही हो गई। हाँ पर और सुविधा क्या है? और सुविधा क्या नहीं थी? और सुविधा नमस्कार जी, नमस्कार। रोड को जब देखो सबके पैसे खेत कट गए, घास वाला कट गया इतना ये तो इसको बढ़िया बना देते ना जरा। हाँ, ये रोड भी बनना जिसको बनना चाहिए था। अभी ये यहाँ तो बिल्कुल गड्ढा हो गया था, गड्ढा अभी तब मिट्टी डाल गए जरा। अच्छा और वो फिर क्या नाम, ये राशन की दुकान है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। बड़ा ट्रक आता नहीं यहाँ पर, यहाँ पर नहीं आता, वहाँ से मुश्किल से आएगा। और बस यार ये नल तोड़ के जा रखा है अभी, प्लास्टिक का पत्थरों से दोबारा नल तोड़ के जा रखा है कल। अच्छा तब यही तो है परेशानी। अच्छा अच्छा, तो तुम्हें दुकान से है? दुकान से ना। तो भूजी आपकी दुकान है नीचे? ना अच्छा, आप दुकान लो, आप यहाँ के लोकल लोग आदमी। मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ तक हम मतलब पहाड़ी से शाल देख सुबह, तो मैं थोड़ा सा ये जन जन हर जगह का ना समस्या दिखाता हूँ, ताकि कुछ लोग आए देखें। हाँ, और कुछ तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जैसे यहाँ पे रोड आ गया अभी, आज हमारा शालदे से ये 3 पेड़ दिखाई थे। हाँ ये 3 पेड़ दिखाई थे, एक नीचे है, तो अच्छा लग रहा है। तो आज मैं यहाँ पर हम गाड़ी में आए, अपने गाड़ी में आए, देखा हमें जगह, तो कैसा लगा आपको यहाँ पर गाड़ी आ गई है? तो पहले से ये तो बहुत बढ़िया है, गाड़ी आ गई तो थोड़ा सा ये समस्या रहेगी, ये समस्या रहेगी। ये भी दिखाट तक अगर मिल जाती, दिखाट तक इसमें 3 रोड है आगे। अच्छा, तो वो कहाँ कहाँ करते हैं? एक कोरसारी, एक भरसोली एक ये बबलिया। बबलिया अच्छा, बबलिया पत्थर खुला जो रोड है वो आगे से कट रही है? आगे से कट, और मेन रोड यही है। हाँ मैन यही है, मैन यही है। अब इसी में गाड़ी जाएंगे तो वहाँ ये समस्या इसी में होगी ज्यादा। तो यहाँ की गांव वालों की समस्या यही है कि इस रोड, ये रोड बन जल्द से जल्द बन जाए, जल्द से जल्द ये रोड बन जाती। हाँ, और वो रोड तो वो रोड जो है थोड़ा सा लंबा पड़ रहा है, वो लंबा पड़ा हमारे लिए, हमारे लंबा पड़ रहा। अच्छा भाई, ये रोड बन जाए ना, सरकार इसे बना दे। बेकूब है नेता, बेकूब है सब, यहाँ के ये रोड बन जाए तो बल्ले बल्ले हो जाए। बहुत ये आवाज आपकी सरकार तक पहुँचे की शुरुआत रही है। 3 रोड होते हैं इसमें नीचे, और मेन रोड यही है। जब यहाँ से गाड़ी जाएंगे तो वहाँ से जाएंगे गाड़ी, फिर कहाँ से जाएंगे? ये थोड़ी समस्या है यार, ये प्राइवेट है, आगे सरकारी है। जनता को फायदा था।
हाँ बहुत समस्या देखी मैंने रोड की बने वो कल हम गए थे कलचीपाल रोड पर बेकार रोड कितने 37 साल से रोड बनी है वो टमाटोन वाली अभी तक नहीं बन पाई और बाघ छू मैं तेंदुआ छू मेरी इनकी सर्वे बाद में हुई वो पहले की है तो यहाँ का इस एरिया का देख रहे कौन है यहाँ का कौन कर रहा है यहाँ का आप जिना जी जिना हो यह साइड में आने का मतलब ना बोटो जी बस वो दरअसल मैं बधाई देने अभी तो नहीं आया नहीं आया अच्छा उपचुनाव हुए उसमें भी जीता अच्छा जी बधाई देनी है बधाई दी और भी और कोई नेता भी लिया है यहाँ पे कोई ना ना कोई के मतलब नहीं हो कोई मतलब कोई दे बस वोट ले तो यहाँ पे खत्म बस अच्छा जी और लोकल जनता भी ऐसी है एक बार बन गया चाहे प्रधान है चाहे कोई भी है और उसके बाद चौपट उसके बाद खड़ी उंगली अच्छा हम ही है देखते हैं तो यहाँ की जन समस्याएं आपने सुनी जैसे कि माता जी ने बोला हमारे अंकल जी ने बोला तो ये है भैया गांव की समस्याएं कुछ तो समस्या यहाँ पर सॉल्व हो चुकी हैं लेकिन जो असली सॉल्व होनी थी वो हो नहीं पाई यहाँ पर समस्या ये है यहाँ पर मेरी बहन यहाँ भी बाघ की समस्या होगी तेंदुआ बाघ यहाँ पे आम बात है अच्छा दूसरी बात खेती बाड़ी के क्या हिसाब किताब यहाँ पे खेती बाड़ी सब अंदर सुअर और बंदर अच्छा यहाँ भी खत्म कर दे रहे हो खत्म रात दिन अगर पारा नहीं करो बिलकने आ रहे हैं कितने तो इंसान ही काट दिए उन्होंने बंदर नहीं अरे वो रोड में भी हट नहीं रहे हो जैसे आपके वहाँ आवारा गाय वो यहाँ भी है भाई रोड रोड आ रहे हो रोड बनी है उनके लिए आदमी ले बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहुत तो जैसे कि गाइस मैं अभी नीचे आया तो यहाँ पर लाला जी मिले यहाँ पे लाला जी की यहाँ पे दुकान है और ये लाला जी आपको शुभ नाम क्या नाम बहादुर बहादुर सिंह जी तो आपका ये दुकान कब कितने साल से आपकी दुकान कर रहे हैं यहाँ पे आप 1.5 साल हो गए 1.5 साल जी जी अभी मैं नीचे गया था बहादुर सिंह जी तो मैं यहाँ पे कुछ लोगों ने मेरे को बताया कि समस्या ज्यादा की मेन रोड तो यही है और इसी रोड में से 3 रोड जो लिंक हो रही है तो सर हमारे यहाँ पे 4 रोड हैं लेकिन रोड एक काम की नहीं है बिल्कुल काम की नहीं 2-3 रोड विधायक नीति से हैं एक राज्य सरकार की है अच्छा भी राज्य सरकार की है अच्छा जिसमें कलमट पूरा टूट चुका है हाँ। कलमट है गड्ढे हैं हाँ। अब सरकार एक तरफ से कह रही है जी हम पूरा गड्ढा मुक्त हो रोड है और यहाँ डामर छोड़ो तुम वैसे भी ना उसमें डामर है अच्छा अच्छा ना सोलिंग है अच्छा अच्छा परसों बीच में बरसात में तो ऐसी बिल्कुल हालत खराब हो रही थी जी 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 कि कमर तक जो है कीचड़ में घुस रहा था अच्छा अच्छा बहुत ही बुरा हाल बहुत बुरा हाल अच्छा अच्छा तो ये आपके माध्यम से जरा ये बात हाँ जी 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 जरूर 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 और हम लोगों के लिए रोड की बिल्कुल बिल्कुल तो मतलब ये असली रोड तो यही थी मेन रोड ये थी और इसमें कुछ भी काम नहीं हुआ कुछ भी काम खाली विधायक नीचे है और कुछ दिन के लिए इसमें जेसीबी लग जाती है आई बारिश फिर खड्डा हो जाता है तो पूरा काम इसमें होता नहीं था पूरा काम और कभी नहीं हुआ इसमें नहीं हुआ काम इसमें कभी आपका इधर सरमुली से भुक्ति मोड़ा ये वाली रोड सॉरी वही हालत है आजकल थोड़ा जेसीबी लग गया धूप धाम में थोड़ा मिट्टी सूखी तो बरसात में तो बहुत बुरा हाल बरसात में तो कोई मतलब नहीं आने का तो आपके चैनल के माध्यम से जरा बात जी जी जरूर हमारा इसी हम उद्देश्य हम यहाँ पे आए हैं कि हम यहाँ के लोगों की समस्या सुने और फिर बाहर के लोग भी आए क्योंकि जगह बहुत अच्छी है बेल्ट ना फिर दूसरे में यहाँ पे खेती का जो है बंदर सुंगरों को आता है खुद खेती करते हैं बिल्कुल बिल्कुल खेती का गुजारा न होने के कारण बेरोजगारी है जी 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 नौकरी पानी मिल नहीं रही तो इसलिए अपना थोड़ा सा खाली ठीक है बढ़िया है बहुत बढ़िया बहुत 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 धन्यवाद आपका शुक्रिया आपका धन्यवाद जरूर तो ये थे यहाँ की समस्याएं जो लोगों की समस्या एक ही है बस बहुत धन्यवाद धन्यवाद हाँ मैं आऊँगा जरूर आऊँगा मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।